नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। प्रदेश कार्यालय में पिछले तीन दिनों से बीजेपी दल की बैठक हो रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के साथ कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए हैं। वहीं आज बैठक से निकले मंत्रियों ने सरकार की प्लानिंग पर बात करते हुए कहा कि देश में सेवा ही संगठन की भावना के तहत काम करना है। वहीं बैठक को लेकर सांसद कौशल किशोर ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की। राजधानी लखनऊ के भाजपा कार्यालय पे मौजूद है, जहाँ पे तीन दिन से जो है बैठक हो रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद कौशल किशोर जी हैं, जो ज्यादा जानकारी है। सर, जो तीन दिन से बैठक हो रही थी, इसमें क्या निर्णय लिया गया? मैं उस बैठक के संबंध में हमें नहीं मालूम है। हमारी तो आज बैठक जो हुई थी वो तो बैठक मात्र जिला कोर कमेटी की बैठक थी, जिसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष के संबंध में तैयारी करने के लिए केवल बैठक बुलाई गई थी। बस उसी पर केवल चर्चा। इसमें क्या 2020 के चुनाव को लेकर भी कोई वार्तालाप हुई? नहीं, 2022 के चुनाव को लेकर के भी कोई। तो जैसे कि आपने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को, उस पर क्या कोई चर्चा हुआ? नहीं, वो तो जो हमने लिखे थे उस पर सारी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और जो भी समस्याएं थी उसका निस्तारण किया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, और उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी उन्होंने जिस तरह प्रदेश का दौरा करके बोल्ड कदम लेकर के और कोरोना को जिस तरह पराजित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जी, अब देख सकते हैं जिस तरीके से भाजपा कार्यालय पे तीन दिन से जो है बैठक जो है चल रही थी, मगर अभी कुछ निकल के आगे चलकर नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या बैठक में निकल के आया है, ये देखने वाली बात होगी। राजधानी लखनऊ के शमशाद आलम ट्राइम। राजधानी लखनऊ के चिन्हट में डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया गया था। हमले के बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक पिस्तौल और दो कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन, एडीसीपी पूर्वी कासिम आब्दी, एसीपी प्रवीण मलिक और इंस्पेक्टर चिन्हट धनंजय पांडे की टीम ने मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिनांक 26 मई को थाना क्षेत्र चिन्हट बालाजीपुरम एक जगह है, जहां पर एक घटना हुई थी, जिसमें अज्ञात सवार द्वारा डॉक्टर संदीप जायसवाल को गोली मारी गई थी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। डॉक्टर संदीप जायसवाल, इनका हर्षित ट्रॉमा सेंटर ये चलाते हैं, और इसके बाद ये ट्रॉमा रेफ़र हुए, उसके बाद इनको अपोलो रेफ़र कर दिया गया। अभी इनका इलाज चल रहा है। इसके बाद जो पुलिस की टीम है, सर्विलांस टीम और जो क्राइम ब्रांच है, वो लगातार तलाश कर रही थी, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से। आज जो दोनों जो इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया था, दोनों अपराधी पकड़े गए हैं। इनके नाम आमिर चौधरी और राशिद चौधरी हैं। ये यहाँ लोकल इंदिरापुरम के रहने वाले थे, और ये मूलतः किठौर के निवासी हैं। जो घटना की जो वजह जो इन्होंने बताई कि इनका जो एक भाई था खालिद चौधरी, वो यहाँ पर डॉक्टर संदीप जायसवाल का हर्षित ट्रॉमा सेंटर ये चलाते हैं, वहाँ पर ये एडमिट था। इलाज के दौरान इनके भाई की मृत्यु हो गई, और इनका ये मानना था कि भाई का सही इलाज न होने के कारण ही उसकी मृत्यु हुई, और लापरवाही की वजह से इसकी मृत्यु हुई है, जिस कारण ये लोग दोनों भाई काफ़ी क्षुब्ध थे, और ये बदला लेने की नीयत से आज दिनांक 26 को इन्होंने इस तरह से डॉक्टर संदीप जायसवाल के ऊपर हमला किया। तो लखनऊ से ये मामला सामने आया, जहां डॉक्टर के ऊपर दो हमलावरों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि ये घटना 26 मई की बताई जा रही है। वहीं इस घटना पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आखिर ये पूरी घटना आखिर किस तरीके से शुरू हुई? कुछ दिन पहले ही चिन्हट के बालाजीपुरम इलाके में हर्षित हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर संदीप जायसवाल पर जानलेवा हमला हुआ था। हमलावरों ने डॉक्टर संदीप जायसवाल को एक गोली मारी थी, और सर पर काफी धारदार हथियार से उनको घायल किया था। फिलहाल डॉक्टर का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, लेकिन हफ्ते भर बाद चिन्हट की पुलिस टीम ने और क्राइम ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम आमिर चौधरी और राशिद चौधरी है।
हमले की जो वजह बताई जा रही है वो यही कहा जा रहा है कि दोनों सगे भाइयों के जो बड़े भाई थे खालिद चौधरी, उनकी कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी और उसी मामले में रंजिश रखते हुए उस अस्पताल के डॉक्टर पर ये जानलेवा हमला हुआ था। फिलहाल दोनों आरोपियों के पास से एक पिस्टल बरामद की गई है जो हमले में इस्तेमाल की गई थी और जो गाड़ी जो अपने दोस्त दानिश से लेकर के गए थे उन सभी चीजों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। और गैर जनपद से जो इनका मूल निवास है मेरठ, वहाँ से पुलिस टीम ने इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनसे पूछताछ की गई। जिस प्रकार से लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में इस प्रकार से एक वारदात सामने आती है जहां फ्रंट लाइन वर्कर डॉक्टर के ऊपर इस तरीके से हमला किया जाता है, तो इसे किस प्रकार से देख पा रहे हैं आप? देखिए, इसी बात को लेकर के लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने एक टीम गठित की थी और उसी टीम को एक कामयाबी मिली है और ये कहा जा सकता है कि फ्रंटलाइन वर्कर होने के नाते इस मामले को एक गंभीर घटना के रूप में लिया गया था और इस पूरे मामले में पुलिस के बड़े अफसर मॉनिटरिंग कर रहे थे और तभी उसके बाद ही चिन्हट पुलिस टीम ने इस दोनों आरोपियों को जो गैर जनपद में छुपे हुए थे और इन लोगों को गिरफ्तार किया है। जल्दी प्रयास कहा जाएगा कि पुलिस टीम का था क्योंकि ये लोग काफी समय से फरार थे और अपनी मोबाइल की जो लोकेशन है वो बदल रहे थे और मोबाइल अलग अलग यूज कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने आखिरकार इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये कहा जा सकता है कि पुलिस की बड़ी सफलता है कि दोनों नामजद आरोपी जो इस पूरे हमले में शामिल थे इन लोगों को गिरफ्तार कर आगे की इनसे पूछताछ की जा रही कि आखिरकार मोटर सप्रेंडी किस तरीके की थी, कहाँ कहाँ इन लोगों ने किन लोगों की मदद की, उन लोगों के नाम को भी शामिल किया जाएगा ताकि जो इस पूरे अपराध में इन लोगों के साथ मददगार साबित रहे आगे चार्जशीट में उनको भी नामजद किया जाए। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से आपको ये एक बड़ी खबर बता रहे हैं जो आप चिन्हट पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई। आपको बता दें कि बीते दिनों एक डॉक्टर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था जिसके बाद से लगातार पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद आज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है जिसमें पुलिस ने दो हमलावरों को आज गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना महामारी में हुए नुकसान पर राजधानी लखनऊ में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बयान दिया है। अनुराग भदौरिया ने कहा कि यूपी में भाजपा जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और महामारी से निपटने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। ब्लैक फंगस को लेकर भी सपा प्रवक्ता ने कहा है कि फंगस से लोग परेशान हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और इसी बीच महंगाई भी इस वक्त चरम पर आ चुकी है। तो चलिए सुनते हैं सपा प्रवक्ता ने और क्या कुछ कहा। जनता पार्टी जनता के असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। कोरोना से लोग यहाँ करहा रहे हैं, लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, ब्लैक फंगस की दवा नहीं दे पा रहे, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है। ये समाज के असली मुद्दे जिस पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि 2022 में आजमगढ़ में नगर पालिका परिषद ने आरटीओ विभाग की टीम के द्वारा कई गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही है, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही गाड़ियों पर एक्शन लिया जा रहा है। नगर पालिका परिषद में खड़ी गाड़ियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में नई गाड़ियों सहित पुरानी गाड़ियों को भी चेक किया गया। कई बार चेतावनी देने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। वहीं एसडीएम सदर के द्वारा आरटीओ विभाग को निर्देशित किया गया। ने हमारे आरटीओ साहब ने बताया कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो नगर महापालिका में जो है अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो हम उसको एक सूचना देने आए हैं कि जो भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं हुई है उनको आके हमारे कार्यालय में रजिस्टर करा दें ताकि उसका समय से फिटनेस वगैरह और सारे संबंधित कार्य पूर्ण होते रहे। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र में तीन बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लाखों रुपए की लूट कर ली। लूट को अंजाम देने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गए। घटना के बाद एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूट हुई है और जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। सबूतों के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है, जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। थाना छावनी के रहने वाले अर्जुन प्रसाद जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, इनके द्वारा ये सूचना दी गई है कि जब ये एसबीआई बैंक जिससे इनका ग्राहक सेवा केंद्र जुड़ा है वहाँ से अपने ग्राहक सेवा केंद्र के लिए पैसे निकाल करके वापस जा रहे थे तो रास्ते में तीन बाइक सवारों ने रोक करके इनसे इनका पैसों भरा बैग छीन लिया और छीन कर भाग गए। उनकी सूचना के आधार पर थाना छावनी पर लूट का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। साथ में हमारी चार टीमें लगी हैं बनी हैं जो इस संबंध में घटना की फुटेज और आसपास के अपराधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। शीघ्र ही हम इन सभी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई। दोनों पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के बाद कई लोग घायल हो गए। मारपीट के मामले में पीड़ित पक्ष ने कहा है कि दबंग आरोपी ने उनके परिवार के साथ मारपीट की। शिकायत के बाद थाना पुलिस ने बिल्कुल भी मदद नहीं की। वहीं पीड़ित पक्ष की शिकायत पर उच्च अधिकारियों ने एक्टिव होते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है।
बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में 45 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के शव को देखने के बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतका के परिवार वालों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। राजधानी लखनऊ में दुकानदारों को धमकाकर वसूली करने पर 3 पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी दी गई कि मास्क न लगाने की बात कहकर पत्रकार दुकानदारों से वसूली किया करते थे। इसके बाद पीड़ित दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शातिर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1.5 किलो पोस्तों के छिलकों के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए युवक से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। शाहजहांपुर के चौक थाना इलाके में एक महिला ने मारपीट के मामले में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने उसे जबरन संबंध बनाया है और उसके विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। वहीं पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक्टिव होते हुए कार्यवाही की और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भी भेजा गया है। शाहजहांपुर में मंडी परिषदों में लगे गेहूं क्रय केंद्रों को लेकर किसानों ने अपनी शिकायतें बीजेपी विधायक चेतराम पासी को बताई। किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बीजेपी विधायक चेतराम पासी ने आज दो मंडियों में छापेमारी की। मंडी में खोले में पड़े गेहूं देखकर विधायक ने केंद्र कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। विधायक चेतराम पासी ने मंडियों में निरीक्षण के समय सख्त हिदायत दी कि सरकार की मंशा के अनुसार कार्य न हो पाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और किसानों का अगर किसी भी प्रकार से उत्पीड़न हुआ तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम है जसपाल सिंह जी, लाहा ब्रांड का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। और मेरा 5 तरीका गेहूं पड़ा है, 25 क्विंटल गेहूँ सड़ गया है, 25 वो डेरी पड़ी 25 क्विंटल गेहूं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कभी 5 क्विंटल तोला जा रहा है, कभी 10 क्विंटल तोला जा रहा है, कभी 20 क्विंटल तोला जा रहा है। पैसे तो भाई साहब उन्होंने कहा जो कह दे मैं देना, वैसे 70-80 रुपए की बात हो रही थी, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी हो रही, तो इतना खर्चा भी आता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी दे देना। हाँ दे देना। लापरवाही किस तरीके की हो रही है? लापरवाही भाई साहब, जाके मेरी ढेरी देख लीजिए कितना गेहूं सड़ गया और यहाँ से वहाँ पर पलटा लगवाया और रोज शांत कर रहे हैं भाई, थोड़ा थोड़ा गेहूं तोड़ लीजिए, हम लोग डिच्चू होके घर पे अपने जाएं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो किसानों के साथ पूरी तरीके से संवेदनशील है। हमारा जो किसान है वो अपनी बहुत ही मेहनत से फसल गेहूँ और धान तैयार करता है, लेकिन कहीं न कहीं पर थोड़ी सी अव्यवस्था के कारण, चूँकि पंचायत के चुनाव थे, कोरोना जैसी भयंकर महामारी आ गई, इसलिए हमारे क्षेत्र के अधिकांश किसानों का अभी गेहूं जो है उनके घरों में पड़ा हुआ है। मेरे को पता लगा कि सरकार द्वारा देहात क्षेत्र के गेहूं खरीद केंद्र कुछ बंद किए जा रहे हैं, तत्काल मैंने जिलाधिकारी शाहजहांपुर के संज्ञान में बात डाली। हमने कहा जब तक हमारे क्षेत्र के किसानों का एक एक दाना गेहूं का नहीं बिक जाता है तब तक कोई भी। सुल्तानपुर के चांदा कोतवाली क्षेत्र में एक मकान का छज्जा गिरने से 3 महिलाएं घायल हो गई। आनन फानन में घायल महिलाओं को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सुल्तानपुर से यह खबर सामने आई जहां मकान का छज्जा गिरने से उसकी चपेट में आने से 3 महिलाएं घायल हो गई। फिलहाल तीनों महिलाओं का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं इस घटना की पूरी जांच पड़ताल भी की जा रही है। के अंतर्गत चांदा कस्बे में एक घर का छज्जा गिर गया जिसमें 3 महिलाएं चोटिल हो गई हैं। उनका जो चिकित्सीय उपचार है वो स्थानीय CHC और जिला अस्पताल पर सुनिश्चित कराया जा रहा है। सुल्तानपुर से लखनऊ वाराणसी हाईवे पर गाड़ी और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में गाड़ी चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। भदेवा
चकरैया के पास एक ट्रेलर और एक ट्रक में टक्कर हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति को जिला चिकित्सालय ले आया गया, उनकी मृत्यु हो गई, दो लोग घायल हैं, उनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, अन्य जो भी कार्रवाई है वो सुनिश्चित। सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए हत्या आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और सामान को भी बरामद कर लिया है। दो लोग, जो एक तो मृतक की पत्नी है कमला देवी, उनको गिरफ्तार किया गया है, साथ ही जिसने घटना कारित की थी अजय कुमार पुत्र रामलाल, वो भी उसी गांव का निवासी है, उनको भी गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ताज नगरी आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने लोगों के साथ लूटपाट की। लूट को अंजाम देने के बाद शातिर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। जानकारी मिली कि बदमाश लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट को अंजाम दिया करते थे। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्षेत्राधिकारी सदर राजीव कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और नजदीकी लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया जा रहा है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। के द्वारा बताया जा रहा है कि मंगलवार को एक व्यक्ति ने खाना बनवा के, यही हलवाई से खाना बनवा के इनको बांटा था, जिसके बाद नशे की हालत में आ गए और इसमें से दो तीन महिलाओं ने कहा है कि उनका कहते हैं कान का और हाथ के जो चांदी के फूल पहनते हैं वो गायब है। इसकी जांच की जा रही है, कुछ फूड सैंपल भी मिले हैं, जो खाना कल पूरी सब्जी बनाया गया है उनको लिया गया है, जाँच में भेजा जा रहा है और जो संदिग्ध व्यक्ति इनके पास आए थे खाना बनवाने के लिए उनकी जाँच। औरैया के थाना बेला क्षेत्र के पांडव नदी में नहाने गया एक युवक डूब गया। तेज बहाव के चलते वह युवक डूब गया। नदी में डूबते हुए युवक को देखते हुए पुलिस नदी के पुल के निर्माण में लगे कर्मचारी मौके पर दौड़े और उसकी मदद करने लगे। जानकारी मिलते ही पानी में कर्मचारी ने छलांग लगाकर खोजबीन भी शुरू की और किशोर को खोज निकाला, लेकिन तब तक किशोर की मौत हो चुकी थी। इसके बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। वहीं युवक की मौत से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस घटना में ट्रक चालक काफी देर तक गाड़ी में ही फंसा रहा। इसके बाद राहगीरों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक चालक को बाहर निकाला और उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आगरा के सिकंदरा थाना इलाके में विशेष समुदाय के लोगों ने एक युवक के हाथ पैर बांधकर उस पर काफी जुल्म किया। समुदाय के लोगों ने युवक की बड़ी बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। आजमगढ़ के बरहत थाना क्षेत्र में बाइक सवार 6 बदमाशों ने फायरिंग करते हुए युवक की हत्या कर दी। फायरिंग करते हुए युवक बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर जिले के आला अधिकारी समेत कई थानों की फोर्स पहुंची, जहां फॉरेंसिक सर्विलांस और स्क्वाड टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार तीनों लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।